एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हमने इसके भी पहले 2 वीडियोस डाले हैं, आज का हमारा यही टॉपिक है। इस पर हम 3rd वीडियो बनाने वाले हैं, पर इसमें हम सिखाने वाले हैं कि शेयर्स को रिडीम प्रीमियम पे कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं केस 4, रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹8 लाख विद अ प्रीमियम ऑफ ₹50,000 बाय फ्रेश इशू ऑफ ₹10। मैंने आपको बताया था कि 3 कंडीशन है सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की। कंपनीज एक्ट 2013 की 3 कंडीशन है सेक्शन 55 के अंदर। वो 3 कंडीशन कौन सी थी? फर्स्ट कंडीशन थी कि हमें फ्रेश इशू करना है अगर शेयर्स को रिडीम करना है तो। दूसरी कंडीशन क्या थी? डिविजिबल प्रॉफिट से हमें पैसा लेना है अगर फ्रेश इशू करना है तो। तीसरी कंडीशन क्या थी? दोनों में से हम पैसे यूज कर सकते हैं। चौथा हमें क्या बताया गया था? अगर कोई भी प्रीमियम है तो हमें वो प्रीमियम राइट ऑफ करना है, मतलब वो प्रीमियम हमें राइट ऑफ करना है, मतलब जब भी हम वो ड्यू की एंट्री करते हैं ना, कि कैपिटल हमने इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और यहाँ पे ही हमें ड्यू कर देना है। वो मैं बताती हूँ कैसे। पहले ही हमें ड्यू कर देना है और हम क्या करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट में से CRR क्रिएट करते हैं। तो ये हमारी कंडीशंस थी किसकी? सेक्शन 55 की। CRR क्यों क्रिएट करते हैं? CRR मतलब कैपिटल रिडम्पशन रेशो, सॉरी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये क्यों क्रिएट करते हैं हम? क्योंकि हमें बताना पड़ता है क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज को और क्रेडिटर्स को कि हमारे पैसे हमारे कंपनी में ही लॉक्ड इन है, आपने जितने पैसे हमारे ओनर्स को देख के लगाए थे उतने ही पैसे हमारे पास हैं, सिर्फ हमने जनरल रिजर्व से पैसे निकाल के CRR में डाले हैं। ओके, तो अभी हम करने जा रहे हैं कि हमें रिडीम कैसे करने हैं शेयर प्रीमियम पे। तो उसकी फर्स्ट एंट्री, हर किसी केस में 3 या 4 एंट्री होती है। कैसे? पहले ड्यू की एंट्री होती है, फिर फ्रेश इशू की एंट्री होती है, उसके बाद क्या होती है एंट्री? पेमेंट की। क्या होती है? 3 एंट्रीज होती है। पहले ड्यू की एंट्री होती है, फिर फ्रेश इशू की एंट्री होती है, उसके बाद 3rd क्या होती है? पेमेंट की। यहाँ पे एंट्रीज मेनली 4 होंगी। कैसे? पहले ड्यू की होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि हमारा कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस रहता है, हमने कम करना है तो हम क्या करेंगे? डेबिट बैलेंस देंगे। कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 लाख प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये हमें हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक्सपेंस है 50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 8,50,000। हमें टोटल कितना रिडीम करना है? 8,50,000। तो हमें वो पूरा ड्यू पे ही एंट्री में इफेक्ट दिखाना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 8,50,000। ओके, अभी बोल रहा है फ्रेश इशू करना है, तो फ्रेश इशू 10 रुपीज का करना है, बट उसने शेयर्स नहीं बताए हैं। तो हमारे 8 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है तो 80,000 ही करने हैं ना, क्योंकि फेस वैल्यू का ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा? बैंक में हमारे पैसे आ रहे हैं, तो डेबिट वॉट कम से कम करते हैं ना, तो बैंक में पैसे आ रहे हैं 8 लाख टू कैपिटल हमारा बढ़ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख, बैंक में पैसे आ रहे हैं 8 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख। क्लियर? उसके बाद हमने ये प्रीमियम जो दिन हमने यहाँ पे ड्यू किया, पेमेंट करना है प्रीमियम जनरल रिजर्व में से, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि इसको हमारा क्रेडिट बैलेंस रहता है, कम करने के लिए इसको डेबिट। बट अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये भी कर सकते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट 50,000। ओके, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट का रियल पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीवर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 8,50,000 टू कैश वॉश गोज आउट, बैंक में से पैसा जा रहा है 8,50,000। क्लियर? ये पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
पहले हमने ड्यू का एंट्री किया, उसके बाद इक्विटी शेयर आने का एंट्री किया, उसके बाद जनरल रिजर्व में से हमने पैसे प्रीमियम के दिए, उसके बाद हमने नहीं प्रीमियम ड्यू का एंट्री किया, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को हमने पैसे दिए। ओके, अभी केस फाइव हमने ये फ्रेश इशू का प्रीमियम पे किया, अभी हम रिविजेबल प्रॉफिट का प्रीमियम पे करेंगे। रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹6 लाख विथ द प्रीमियम ऑफ ₹25,000 बाय यूजिंग इट्स रिजर्व, मतलब कंपनी अपने रिजर्व यूज करके शेयर्स को रिडीम कर रही है 6 लाख के। अभी देखो कैसे कर रही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6 लाख ये हम करते ही हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये एक इफेक्ट ज़्यादा आ गया क्योंकि ये प्रीमियम पे है, वैसे पार पे रहता है तो हम प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट लिखते हैं और 6 लाख लिखते हैं। ये 25,000 ज़्यादा आ गया क्यों, क्योंकि प्रीमियम पे है, तो यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 25,000 डालेंगे क्योंकि ड्यू हो रहा है। उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इक्विटी शेयर इशू कर रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जनरल रिजर्व यूज़ कर रहे हैं और PNL रिजर्व यूज़ कर रहे हैं, उसने बताया नहीं है हमें कौन सा रिजर्व यूज़ करना है, तो हमें दोनों यूज़ कर सकते हैं, जनरल रिजर्व 3 लाख, PNL 3 लाख, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 6 लाख। थर्ड क्या है, जनरल रिजर्व में से हम प्रीमियम दे रहे हैं 25,000, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट द रिसीवर टू 6,25,000 टू बैंक, पैसे जा रहे हैं 6,25,000। पहले क्या किया हमने, ड्यू किया, उसके बाद जनरल रिजर्व PNL में से CRR में ट्रांसफ़र किया, उसके बाद जनरल में से PA प्रीमियम ड्यू किया, उसके बाद क्या किया, पेमेंट किया, क्लियर ये दोनों केसेस। ओके, अभी मैं रब कर रही हूँ, थर्ड केस बता रही हूँ। ओके, केस 6, रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹12 लाख विद अ प्रीमियम ऑफ ₹1,60,000 बाय हाफ फ्रेश इशू एंड हाफ बाय यूजिंग इट्स ओन रिजर्व। पहले का फोर्थ केस मैंने बताया फ्रेश इशू ऑन प्रीमियम, फिफ्थ केस मैंने बताया जनरल रिजर्व और PNL यूज करके ऑन रिजर्व यूज करके प्रीमियम, अभी थर्ड कंबाइंड विद प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कम हो रहा है डेबिट 12 लाख, प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है डेबिट और एक्सपेंसेस 1,60,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 30,60,000 ड्यू हो गया अमाउंट। उसके बाद फ्रेश इशू बोल रहा है हाफ फ्रेश इशू मतलब 6 लाख का फ्रेश इशू, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है डेबिट और कंसेंट, बैंक में पैसा आ रहा है डेबिट 6 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ रहा है 6 लाख। अभी जनरल रिजर्व में से ये जनरल रिजर्व डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, किस पर्पस के लिए यूज किया 3,60,000। उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, ये हमने हाफ बाय ओन रिजर्व यूज किया था, ये हमने लॉग इन किया CRR में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, लॉकडाउन क्यों किया हमने बताया है सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए, लॉकडाउन करते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, इसमें से पैसे निकल रहे हैं तभी टू एक्सपेंसेस है, ये हमारा एक्सपेंस है टू CRR में पैसे आ रहे हैं 6 लाख, ये हमारा लाइबिलिटी कैपिटल बढ़ रहा है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट द रिसीवर 13,60,000 तो बैंक में पैसे जा रहा है, क्रेडिट वॉट गोज आउट, क्रेडिट में से पैसा जा रहा है 13,60,000, क्लियर। अभी पहले क्या बताया मैंने, ड्यू की एंट्री, कैपिटल ड्यू हो रहा है, कम हो रहा है, प्रीमियम रिडीम हो रहा है और प्रेफरेंस शेयर ड्यू कर रहे हैं, उसके बाद न्यू इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं हाफ के, उसके बाद प्रीमियम हम ड्यू कर रहे हैं, उसके बाद हम CRR लॉक इन कर रहे हैं कि हमने हाफ इक्विटी शेयर से दिया है, हाफ CRR से दिया है, उसके बाद हम पेमेंट कर रहे हैं सब एंट्रीज होने के बाद। आपको तीन मैंने बताया पार पे तीनों ही कंडीशन से रिलेटेड, तीन मैंने बताया प्रीमियम पे तीनों ही कंडीशन से रिलेटेड। अभी ये सम्स में
ये चैप्टर में कॉल्स इन अरियर्स से रिलेटेड, मतलब पार्टली पेड अप पे भी मैंने बताया था, पार्टली पेड अप भी शेयर्स रहते हैं। तो अगर पार्टली पेड अप शेयर्स रहते हैं तो हमें पहले उन्हें फुली पेड अप करना रहता है। तो उसका केस 7 है। अगर हमें शेयर्स 5 लाख के रिडीम करने हैं और 80,000 के कॉल इन अरियर्स हैं, और दोनों हमें हाफ हाफ फ्रेश इशू करना है और हाफ फ्री रिजर्व करना है, तो कैसे करेंगे हम? फर्स्ट करेंगे प्रिफरेंशियल फाइनल कॉल अकाउंट। उनको कॉल कर रहे हैं तो पैसे आएंगे, ड्यू करेंगे। पहले क्या करेंगे? ड्यू करेंगे पर्पस प्रिफरेंशियल फाइनल कॉल टू प्रिफरेंशियल कैपिटल। क्या होगा यहाँ पे? कैपिटल भरेगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कम करने के लिए डेबिट कर रहे हैं, वहाँ पे बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे कैसे बढ़ा रहे हैं? तो क्रेडिट ही कर रहे हैं ना, यहाँ पे इक्विटी शेयर से पैसा आ रहा है तो 6 लाख कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारा प्रिफरेंस शेयर से कैपिटल आ रहा है जो बचा हुआ है, तो क्रेडिट ही करेंगे। बट ये ड्यू हो रहा है, पहले पैसा नहीं आया है। ड्यू का एंट्री प्रिफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, या तो कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट 80,000 टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000। फिर अभी बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू कॉल से नरियर अकाउंट 80,000। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, कॉल से नरियर अकाउंट डेबिट टू प्रिफरेंशियल कैपिटल अकाउंट। ओके, थर्ड क्या है हमें यहाँ पे क्या लिखा है? हाफ बाय, पहले हमने देखो हमने यहाँ पहले एंट्री की है, तो पहले हमने क्या किया? कॉल कर दिया। ये दोनों कॉल की एंट्रीज हो गई, तो हमारा जो नॉर्मल प्रोसीजर रहता है ना, अब वो फॉलो करेंगे। पहले प्रिफरेंस शेयर्स को ड्यू करेंगे, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल घटाएंगे 5 लाख से टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 5 लाख। ओके, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर 5 लाख। ये क्या हुआ? रिडीम का एंट्री ड्यू हुआ। पहले क्या किया? ड्यू एंट्री किया कॉल का, फिर कॉल का एंट्री रिसीव किया, उसके बाद रिडीम का एंट्री ड्यू किया, उसके बाद हमने हाफ पहले जो लिखा हुआ है फ्रेश इशू और हाफ रिजर्व से, तो हमने जनरल रिजर्व यूज़ किया और CRR यूज़ किया, CRR में पैसे लॉक किया, हाफ यूज़ किया 2,50,000 जैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000, 25,000 शेयर है 10 के ईच के, तो इक्विटी शेयर हमारा आ रहा है, तो कैपिटल भर रहा है और बैंक में पैसा आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड कैपिटल भर रहा है। ओके, और लास्ट प्रिफरेंस शेयर होल्डर रिसीवर है टू बैंक से पैसा जा रहा है, प्रिफरेंस शेयर होल्डर रिसीवर है बैंक से पैसा जा रहा है 5 लाख। पूरा एंट्री समझा स्टूडेंट्स? देखो क्या हो रहा है। फर्स्ट हम कॉल ड्यू कर रहे हैं कि पैसा रहा हुआ है, आपको पैसा देना है, उसके बाद पैसा मिल रहा है, उसके बाद हम रिडीम का एंट्री ड्यू कर रहे हैं जैसे यहाँ पे करते हैं, उसके बाद हम जनरल रिजर्व में से आधा पैसा यूज़ कर रहे हैं, CRR में लॉक कर रहे हैं, उसके बाद हम इक्विटी शेयर को, मतलब इक्विटी शेयर इशू करके हाफ पैसा यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद पैसे दे रहे हैं। मतलब ये हमने तीन एग्जाम्पल प्रीमियम पे देखे, लास्ट टू वीडियोस में हमने पार पे देखे थे, आज ये 7th एग्जाम्पल हमने देखा कि कॉल इन अरियर्स को, पार्टली पेडअप को फुली पेडअप कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये मैं मिटाती हूँ। ओके, अभी लास्ट ऐसा है कि हमें बताना है कि एप्लीकेशन भी अगर हो, एप्लीकेशन शेयर का भी अगर इक्विटी शेयर हम इशू कर रहे हैं बट एप्लीकेशन मनी भी रिसीव कर रहे हैं, प्रॉब्लम में दिया हुआ हो, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हमने 3 केसेस पार के सॉल्व किए, फिर 3 केसेस प्रीमियम के सॉल्व किए, फिर कॉल इन अरियर्स के सॉल्व किए, अभी दिखा रहा है कि एप्लीकेशन हो तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं, पहला एंट्री आएगा बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन, क्योंकि बैंक में एप्लीकेशन मनी आ रहा है। अगर बोल रहे हैं क्वेश्चन शेयर इशू कर रहा है रिडीम करके, मतलब अपने 8 लाख के शेयर इशू कर रहा है और अपने रिजर्व यूज़ कर रहा है 5,20,000 के, ऐसे वाले क्वेश्चन में डिवाइडेड किया हुआ रहता है कि एप्लीकेशन इतना यूज़ करेगा और अपना कितना यूज़ करेगा। तो अभी बता रहा है बैंक स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन भरा था इसके वजह से बोर्ड पे नहीं लिखा है, मैं बता रही हूँ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमने एप्लीकेशन मनी 8 लाख यूज़ किया, उस पर हमने 80,000 प्रीमियम रिसीव किया है,
और हमने पहले 20,000 का अमाउंट रिजर्व में से यूज किया है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे एंट्रीज होगी। बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट 8,80,000, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज ईच, 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज ईच, 10 ईच, 8 लाख और 80,000 का प्रीमियम पे। तो ये हुआ, यहाँ पे बताया हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट आया 8,80,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल भरा 8 लाख से, टू प्रीमियम आया 80,000, तो ये हम कैपिटल में डालेंगे 8 लाख और 80,000 हम सिक्योरिटी प्रीमियम में डालेंगे। तो हमारा 80,000 से सिक्योरिटी प्रीमियम भरा और 8 लाख से हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल भरा एप्लीकेशन के वजह से। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हम जो एंट्री करते हैं उसमें बताया गया है हमारी 3,20,000 के प्रेफरेंस शेयर हैं जो रिडीम हो रहे हैं उसमें, और 12 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं जो रिडीम हो रहे हैं 1,20,000 के प्रीमियम पे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12 लाख जो एंट्री हम करते हैं, प्रीमियम और रिडम्पशन 1,20,000, जैसे हम एंट्री करते हैं कैपिटल कम हुआ इसकी वजह से डेबिट, प्रीमियम ड्यू हुआ इसकी वजह से डेबिट 1,20,000। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1,13,20,000 क्लियर। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 लाख, ये जो हमारा 120 था ना प्रीमियम का, हम दो रिजर्व में से यूज़ कर रहे हैं। वैसे क्या था हमारे सभी प्रॉब्लम्स में, हम जनरल रिजर्व टू प्रीमियम और रिडम्पशन कर रहे थे, तो ये प्रॉब्लम में बताया गया है हम कौन से भी रिजर्व में से दे सकते हैं प्रीमियम। तो यहाँ पे बताया गया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1 लाख, पीएनएल अकाउंट 20,000, टू प्रीमियम और रिडम्पशन, ये एक्सपेंस है तभी डेबिट है 1 लाख से, पीएनएल की एक्सपेंस है 20,000 से कम हुआ, हमने क्या दिया प्रीमियम दिया किसके रिडम्पशन के। ओके, क्लियर हुआ। पहले हमने पैसा कलेक्ट किया एप्लीकेशन का, उसके बाद क्या किया बैकवर्ड टिकट किया कि हमारा पहला कैपिटल भरा इक्विटी शेयर के सिक्योरिटीज प्रीमियम से, सिक्योरिटीज प्रीमियम भरा, उसके बाद हमें ड्यू किया अमाउंट रिडम्पशन का, उसके बाद पीएनएल यूज़ किया और सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज़ किया किसके लिए कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल का, सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिडम्पशन के प्रीमियम का पैसा देने के लिए। ओके, ये हम हर किसी एंट्री में प्रीमियम के कर रहे थे। उसके बाद हमने पैसा, पहले हमने इसमें क्या है दो टाइप्स हैं, कंबाइंड एंट्री है, तो हमने एप्लीकेशन कर दिया फ्रेश इशू कर दिया, अभी हमारा क्या 5,20,000 ही रहा हुआ है, तो जनरल रिजर्व 2,60,000, पी एन एल 2,60,000, ये जनरल रिजर्व हमारा एक्सपेंस है, पी एन एल एक्सपेंस है, 2 CRR हम उसमें लॉग इन कर रहे हैं, CRR हमारा बन रहा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 12,20,000। उसके बाद लास्ट एंट्री क्या आती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पैसा रिसीव कर रहा है बैंक से, पैसा जा रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर पैसा रिसीव कर रहा है बैंक से, पैसा जा रहा है, क्या हुआ 13,20,000। कैसी हुई ये सब एंट्री, क्या बोला गया था क्वेश्चन में, दो कर रहे हैं कंबाइंड फ्रेश इशू विथ, ये जो है फ्रेश इशू विथ रिजर्व, बट जो फ्रेश इशू है ना उसमें एप्लीकेशन की भी एंट्री है, तो पहले पैसे मिलेंगे उसके बाद हमने एंट्रीज की इफेक्ट देने हैं कि कैपिटल में आया और प्रीमियम में आया, उसके बाद ड्यू करना है, ड्यू के बाद प्रीमियम को पैसा ड्यू करना है प्रेफरेंस शेयर से, किसमें से किया हमने सिक्योरिटीज में से और पीएनएल में से, वो रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर के प्रीमियम में कर दिया 1,20,000। उसके बाद हमने एक एंट्री हो गई है फ्रेश इशू की, हमने ये एंट्री किया क्या की जनरल रिजर्व और पीएनएल की रिजर्व यूज करके की, उसके बाद पेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स को कर दी। ओके स्टूडेंट्स, आपको किसी भी इस टॉपिक में किसी भी एंट्री से रिलेटेड डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, थैंक यू।